This beautiful phone is given to me for my review by Unique Communications, the most trusted dealer and distributor of mobile phones in the whole of North Karnataka. हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य कुलकर्णी। तो आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल सा फ़ोन आ चुका है। जी हाँ, हमारे पास है वीवो का X50। फर्स्ट बेसिक वेरिएंट हमारे पास आ चुका है। इसमें बेसिकली थ्री वेरिएंट्स हैं, वीवो X50, X50 Pro एंड X50 Pro Plus, जो है 5G सपोर्टेड फ़ोन। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। लाइक का बटन और डिसलाइक का बटन दोनों हैं, लाइक का बटन प्लीज़ दबा देना। फ़ोन में आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं इसके मेन स्पेक्स, जो है इसका कैमरा। क्वाड कैमरा सेटअप में आप हमें ये कैमरा देखने को मिल जाता है। फर्स्ट कैमरा जो इसका प्राइमरी कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। गिम्बल स्टेबलाइज्ड कैमरा है, जिसमें हमें 3-axis गिम्बल देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। सेकेंड कैमरा हमें मिल जाता है ऑलमोस्ट 18 मेगापिक्सल का। थर्ड कैमरा हमें मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, और फोर्थ कैमरा हमें मिल जाता है जो है AI कैमरा, मतलब जो कि आप टेलीस्कोपिक, मतलब जो जूम करते हैं उसके लिए, वो हमें मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का। इसका अपर्चर देखें तो f1.6 तक हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें सामने मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा। यहाँ पे वीवो ने मतलब एक बड़ा स्टेप ले लिया है कि मतलब कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जो भी हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, एक सिंगल स्लेन परफेक्ट शॉट, यानी कि फुल स्टेबलाइज्ड शॉट लेने के लिए बड़े बड़े मतलब प्रोफेशनल गिम्बल्स की ज़रूरत पड़ती थी। पर आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वीवो ने जो है X50 सीरीज़ लॉन्च कर दी है। इसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जिसके अंदर ही 3-axis स्टेबलाइज्ड गिम्बल हमें मिल जाता है, कि हमें एक पूरी की पूरी स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलने वाली है। रैम की बात की जाए तो हमें मिलता है 8GB का रैम, स्नैपड्रैगन 765G। एंड्रॉयड 10 पे ये फ़ोन चलता है। हमें यहाँ पे मिल जाता है ड्यूअल सिम ट्रे। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो ये रेड स्पॉट है ना, ये मतलब एक रबर टाइप है, मतलब इसे पूरा मतलब वाटर रेजिस्टेंट बना दिया है, मतलब पानी घुसे मतलब अंदर नहीं जाएगा, आपका फ़ोन एक तरह से वाटर रेजिस्टेंट बन जाएगा। फेस लॉक भी उतना ही फास्ट है जितना हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसकी बैटरी कैपेसिटी देखी जाए तो 4200 mAh की है। 48 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा है, जो मैंने बता दिया। स्क्रीन देखी जाए तो 6.5 इंचेस की स्क्रीन है, बहुत बढ़िया स्क्रीन है। गेमिंग गेमर्स के लिए तो मतलब अच्छी है, मतलब खेलने के लिए, मतलब कौन सी भी गेम खेल लो, पबजी खेल लो, कोई गेम खेल लो, बहुत बड़ी स्क्रीन है। इसमें एक स्पेशल फीचर आता है अल्ट्रा गेमिंग मोड, ऑन कर दो मतलब इसका रैम स्नैपड्रैगन 765 बूस्टअप हो जाएगा, आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। तो अभी देखते हैं कि फर्स्ट कैमरा जो कि है मेन प्राइमरी कैमरा फ़ोन का, 3-axis गिम्बल स्टेबलाइज, जब गिम्बल ऑफ होता है तब कैसी वीडियो आती है, जब गिम्बल ऑन होता है तब कैसी वीडियो आती है। जो वीडियो है इसमें गिम्बल मतलब अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑफ है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरा रास्ता खड्डों से भरा हुआ है, बीच बीच में बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ी उसके अंदर जा रही है, फिर भी कैमरा जो है हिल नहीं रहा है। जब अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑन होता है तब और स्टेबल फुटेज हमें मिल जाती है। हो गए वीडियो की बात, अब चलते हैं उसके लेंसेज पे। यहाँ पे हमें मिलते हैं टोटल 3 लेंसेज, जिसमें है एक सुपर वाइड एंगल लेंस, दूसरा है बोके लेंस
स्पेलिंग आ जाएगा उसके ऊपर, और एक और है सुपर माइक्रो लेंस। इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई सजेशंस हैं तो कमेंट डाउन बिलो। इसी के साथ मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।